गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रीवियस क्लास में हमने जो असेंडिंग ऑर्डर थे एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की एक्सरसाइज 1.3 में हमने जो क्वेश्चन थे वो हमने 3 तक क्या करे हैं, कंप्लीट करे। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम कंप्लीट करेंगे। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबरों को अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटर नंबर हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4। 4 नंबर क्वेश्चन में अरेंज अरेंज द नंबर अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, फ्रॉम द फ्रॉम द smallest to the greatest number using the symbol अब फर्स्ट नंबर है, देखो ए में अब इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है। तो ये क्या है, 6767। उसके बाद है 7676, फिर है 31331, उसके बाद है 2727। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा, 27। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब है 6767। फिर है हमारा 7676, और सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा, 31331। ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर नंबर। स्मॉलेस्ट टू कौन सा नंबर बना हमारा, ग्रेटर नंबर। अब कैसे राइट करेंगे हम इसको, ये जो सिंबल्स है वो हमें राइट करना है कि किसकी तरफ जाना है हमारा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की तरफ जाना है। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर नंबर,
बी बी में सिक्सटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड टेन एटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर फिर फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इलेवन। अब इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें बताना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सिक्सटी फोर थाउजेंड है, एटी सिक्स थाउजेंड है, फोर्टी सिक्स थाउजेंड है या थर्टी सिक्स थाउजेंड है। तो अब इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है हमारा? थर्टी सिक्स थाउजेंड। तो सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला ही है हमारा। तो थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इलेवन। अब उसके बाद में अब इन नंबरों में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर को देखना है तो कौन सा आएगा हमारा? फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी फोर। अब इनमें से बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो नंबर कौन सा हमारा आएगा? सिक्सटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड टेन। तो सिक्सटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड टेन। और लास्ट में जो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ? एटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर। एटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर। अब क्वेश्चन नंबर सी में है। थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन फिर है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व फिर है फोर फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फोर। अब इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें बताना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्या है? थर्टी वन थाउजेंड तो ये तो ग्रेटर नंबर है। उसके बाद है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व और ये क्या है? फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर है और ये टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व। तो सबसे पहला कौन सा आ गया हमारा? टू थाउजेंड, क्योंकि यहाँ पे फोर थाउजेंड है यहाँ पे भी फोर थाउजेंड है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया हमारा? टू थाउजेंड का। तो यहाँ पे हमने लिखा टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेल्व। उसके बाद में सब इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो निकालना है। तो फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर है और फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फोर है। अब इसमें से जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा रह गया? ये वाला। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया? फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर। अब उसके बाद में नंबर कौन सा आएगा हमारा? फोर थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी फोर। और लास्ट जो ग्रेटर नंबर कौन सा आ गया? थर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन। तो ये नंबर कौन से हो गए? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। यानी क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है? अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबरों को अरेंज करके जो सिंबल्स है वो कौन सा लगाना है? स्मॉल देन वाला। अब क्वेश्चन इसी में है आपका डी का, क्वेश्चन नंबर डी। ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स, ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स। उसके बाद में फोर था फोर्टी टू थाउजेंड
42,222 821,309 622,304। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया यहाँ पे, जो 21,000 है यहाँ पे 42,000 है और यहाँ पे 8 लाख है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया हमारा 21,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 21,206। अब इनमें से फिर कौन सा नंबर आ गया हमारा 42,222, फिर आ गया हमारा 62,006,22,304 और लास्ट में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा रहा हमारा 82,13,09, यानी 8,21,309। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो फोर का है वो असेंडिंग से क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है। अब क्वेश्चन है हमारा इसमें फाइव वाला, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन से, अब पहले हमने असेंडिंग में किया, अब कौन से नंबर है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको राइट करना है, तो फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब इसमें किसकी तरफ जाना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर से लेके आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनको लिखना है। सिंबल्स कौन सा हमारा चेंज हो जाएगा, इसमें ग्रेटर वाला लिखना है, वो स्मॉलर देन वाला था, अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कौन सा है फर्स्ट का, ए में 37 and 47, फिर है 167 404 96 173, 61 476। अब इसमें सबसे ग्रेटर नंबर हमें देखना है कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो इसमें 1 stands 100 and 1000। अब इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ रीड करते हैं, तो 3,747 है और यहाँ पे 1,67,404, उसके बाद क्या है 96,173, उसके बाद में 61,476। तो अब इसमें सबसे जो ग्रेटर नंबर कौन सा आ गया, 1 लाख वाला है ना, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट नंबर है ये लिखेंगे, तो 1,67,404। अब इसमें जो सिंबल्स है वो जो ग्रेटर नंबर वाला है वो राइट करना है, यानी मोर देन वाला, तो यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद में 96, 17 and 3, फिर नंबर आया हमारा
61476, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 37 and 47, यानी 3747। आया समझ में आपको? अब बी के अंदर बी साथ में आप अपनी नोटबुक में लिखते रहो बेटा इनको, 6541 यानी 6541, फिर 45 and 61 यानी 4561, फिर 1699, 1459। अब सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा कौन सा है वो देखना है, तो यहाँ पे 6 है 4 है 1, तो सबसे इसमें कौन सा आ गया हमारा 6 वाला, यानी सबसे जो ग्रेटर नंबर कौन सा है 6541। फिर उसके बाद में नंबर कौन सा आएगा हमारा 4 वाला, तो 4561। फिर इसमें 1699, फिर आया 1459। अमान राइट किया बेटा आपने? ये 5 वाला ना, सिक्सटी फोर एटी सेवन सिक्सटी वन फोर्टी वन सिक्सटी फोर। अब हम डिजिट को रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको राइट करेंगे। 64,100, 8 lakh, 1 lakh, 10,000, 10,000 and lakh। तब डिजिट को रीड करना आएगा, तभी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग को इजी वे में निकाल सकते हो। अब जैसे 1, 10, 100,000, 1 हो गया 10, फिर 100,000, 10,000 लाख, तो इसमें क्या आ गया 8,76,140। फिर यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000, तो यहाँ पे आया 41,604, 41,000 हो गया। उसके बाद में 1, 10, 100,000, 10,000, तो यहाँ पे हो गया 64,613। अब इसमें से सबसे जो ग्रेटर नंबर कौन सा आ गया हमारा 8 लाख वाला, हमारा सबसे ग्रेटर नंबर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8761, यानी 8,76,140। अब नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा हो गया इसमें से 64,600, क्या है यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 64,100 है, तो उसमें से सब ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया हमारा ये वाला, यानी 64,613। अब इनमें से ये 41,000 है और ये 64,000 है, तो कौन सा हो गया हमारा 64,000 लिखेंगे हम, 64,100। और सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रह गया हमारा 41,604, तो लिखेंगे यहाँ पे 41,604। अब नेक्स्ट है
डी में इसी का कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे डी वाला। वन फिर वन सेवन टू फिर है हमारा 71 62 एंड डबल जीरो 36 71 और 26 फिर 76 और 12। अब हमें डिजिट को रीड करना है। रीड करने के बाद इनका जो सिंबल है वो लगाना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी मोर देन। अब 1 stands 100,000 तो कितना आया हमारा 6,172। उसके बाद में 1 stands 100,000, 10,000 and lakh तो ये क्या नंबर रीड करेंगे 7,16,200 ठीक है। उसके बाद में 1 stands 100,000, 10,000 and lakh तो ये क्या बना 3,67,126 बना। उसके बाद में 1 stands 100 and 1,000 तो ये बना हमारा 7,612। तो सबसे जो ग्रेटर नंबर क्या आया हमारा 7 lakh वाला क्या ग्रेटर आएगा। उसके बाद में क्या आया हमारा 3 lakh का, उसके बाद में 7,000 और उसके बाद में 6,000। तो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा 7,16,200। उसके बाद में 36 लिखा 71 and 26 यानी 3,67,126। फिर नेक्स्ट है हमारा 7,612 फिर है बेटा अब डी का देखो ये हमारी डी तक हो गए। अब है हमारा ई वाला। बेटा दिख नहीं रहे हो आप? दिख नहीं रही तो फोन थोड़ी चल रही है, क्लास चल रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल कितना हमें और खाली 3 है और कोई अनमान खान एबीएम जैन अमान एक और छोड़ो अमान माइक को ऑफ करो आप। मैम वीडियो नहीं दिख अमान खान माइक को ऑफ कर। अमान हाँ बेटा आप जो ये क्वेश्चन है आप जो ई का वो आप अपने आप कंप्लीट करो। डिसेंडिंग ऑर्डर टू
डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर वाला। ये बेटा ये शायद नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहा होगा वीडियो, है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको 1.3 है ना, उसके जो लास्ट क्वेश्चन है 4 और 5 आवाज आ रही है ना। हाँ, तो 4 और 5 का क्वेश्चन है, उसको आपको कंप्लीट करना है। मैम फोटो सेंड कर देंगे क्या आप? हाँ मैं फोटो सेंड कर दूंगी बेटा पिक्चर। इसमें ये बेटा वो नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहा होगा शायद ना वीडियो। नेटवर्क बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा लगता है। एक और काली बारिश की वजह से नहीं आ रही है।